हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, मैथ की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं ऑनलाइन टेस्ट की उनकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। दोस्तों, बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, पहले का राइट आंसर सी हो जाएगा, 38। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। तो दूसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 से 18 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है आपसे, तो अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 की मात्रा एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ रूपांतरण होने को कहते हैं। तो बिल्कुल सही, 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। तो बिल्कुल सही, 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4%। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सभी को पता होगा, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों अगर टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो बिल्कुल सही, 7वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर भी इसका भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेनक्रियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, बहुत सही क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कई बार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापन यंत्र है, इन चारों में से कौन सा है। तो सिफगमेनोमीटर यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 11वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कि कितनी बार धड़कता है एक मिनट में। तो 12वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी को पता भी होगा, 72 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं, तो ये भी आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए चार होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? 14 का बताइए, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धमनी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये भी सभी को पता होगा, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 16, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो बिल्कुल सही है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी को पता होगा इतना बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। आप आंसर करिए, जो भी आए आपका, जो भी आपको लग रहा है, तुक्का मार लीजिए चाहे। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 अरब बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब अप्रोक्सीमेटली है, कम ज़्यादा तो वो तो डिपेंड करता है कि मनुष्य की, मतलब आदमी की मृत्यु कब हो जाती है, कभी एक्सीडेंट से भी हो जाती है, बट ऑन एवरेज ये 2 अरब बार, मतलब प्रूव है कि 2 अरब बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो बिल्कुल सही है, 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर की विशालतम धमनी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एओटा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो चार ऑप्शन देखिए और राइट आंसर जरूर बताने की कोशिश करिए, चाहे आपका जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में आंसर अपना जरूर मेंशन करिएगा। तो बिल्कुल सही है, 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर के वजन का 7% होती है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन होता है, तो कितने लीटर होता है भाई, आप बताइए जल्दी से राइट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मानव रुधिर का पीएच है? तो ये भी आप सभी को पता होगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानव रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, सभी को पता होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तिल्ली, या हम जिसको बोलते हैं प्लीहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का डी, 91% से 92% तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है ये भी। 25वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए। तो देखिए ये फेफड़े में भी, यकृत और किडनी, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होता है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो इन सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
इरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 28, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। वेरी गुड, 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं मैं एंड में, ठीक है? तो 29 का राइट आंसर बिल्कुल सही सी हो जाएगा, पलिहा। ठीक है, पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 दिन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही थे क्वेश्चंस, और इनके आंसर यहाँ पे हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे जाके, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए टॉपिक स्टडी को, और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टॉपिक स्टडी चैनल से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं डेली इसी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट लगाना, तो नीचे रेड कलर का आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाना है। उसके बाद एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी दबाना है। उसके बाद आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा 9 से 10 के बीच में रात के टाइम। आप डेली टेस्ट लगाइए। देखिए इससे दो फायदे हैं, एक तो आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मेहनत मैं करूंगा, बट आपको थोड़ी सी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, डेली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? और अभी मैं SSC के लिए भी और बहुत सारे एग्जाम के लिए सेपरेट ऑनलाइन टेस्ट लाने वाला हूँ यूट्यूब पे ही, और ये पहली बार ऐसा होगा कि आपको लगातार पूरे सालों साल 6 महीने जितना आप चाहे उतना टेस्ट लगा सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, और अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मेरे से, सारे सोशल मीडिया हैंडल का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बस टॉपिक स्टडी या सौरभ मलिक सर्च करना है। बट अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो सौरभ मलिक 17 के सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे से क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।